हेलो गाइस, सो इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट एचटीएमएल स्ट्रक्चर, टैग्स एंड सम हेडिंग्स, पैराग्राफ्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इमेज को कैसे इंक्लूड कराएंगे अपने वेब पेज पर, एंड सेकंड थिंग हम टेबल को कैसे इंक्लूड कराएंगे अपने वेब पेज पर। सो स्टार्ट करते हैं इमेज से। सबसे पहले आप हमने जो ऑलरेडी लास्ट टाइम किया था वो स्ट्रक्चर हमारे पास है पड़ा हुआ, और हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इमेज के लिए। तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एक नॉन क्लोजेबल टैग होते हैं, क्लोजेबल टैग होते हैं, तो इमेज भी नॉन क्लोजेबल टैग का एक एग्जांपल है। इमेज के लिए हमारा जो टैग यूज होता है वो है img। आपको बस img टैग लिखना है, एंड देन इसमें यूज होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमारा यूज होता है src। ठीक है, src में बेसिकली क्या होता है, आपको उसका पाथ डालना पड़ता है, जो भी इमेज का पाथ होता है, इमेज का URL है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेंगे इमेजेस नाम से, अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर फोल्डर बना लिया हमने इमेजेस करके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इमेजेस को डाल देंगे। सपोज यहाँ पर दो तीन इमेजेस पड़ी है एग्जाम्पल में। ठीक है, हम यहाँ पर दो तीन इमेजेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप चाहे बाहर से भी यूज़ कर सकते हो, बट हाँ जो बेस्ट वे है यही है कि आप अपने फोल्डर के, अपने प्रोजेक्ट है उस फोल्डर के अंदर ही इमेज को यूज़ करो, और आपके लिए भी ईजी रहेगा और प्रोजेक्ट के साथ ही आपको वो इमेजेस यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पाथ बन गया है इमेजेस का, एंड देन इमेजेस के अंदर हमारे इमेजेस पड़े हुए हैं। तो हमारे पास बेसिक पाथ क्या होगा इसका, इमेजेस देन स्लैश, एंड देन जो भी प्रोडक्ट की आपको इमेज चूज़ करनी हो आप चूज़ कर लो। ठीक है, जैसे आपने प्रोडक्ट डॉट png इसका फाइल का पाथ डाल दिया, प्रोडक्ट डॉट png इस वाली फाइल का पाथ में डाला, एंड देन अब चेक करेंगे हम इसको। यहाँ पर इमेजेस में डाल रखा है, ठीक है, ये इमेजेस एंड देन ये सारा। ठीक है, तो अभी आप देख पाओगे कि इमेज तो हमारे वेबसाइट पर इंक्लूड हो गई है, वेब पेज पर इंक्लूड हो गई, बट इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है। तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं वो होते हैं विड्थ एंड हाइट। तो काफ़ी, जैसे हमने दे दिया 200 पिक्सल, एंड देन हाइट को दे दिया हमने 200 पिक्सल। ओके, तो इसका जो हाइट और विड्थ आ जाएगा 200 बाय 200 आ जाएगा। आप इसको कुछ भी कर सकते हो, हाइट को बढ़ा सकते हो, विड्थ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है इमेज टैग के लिए ये एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, और ये हमारा इसका टैग यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल्स, हम टेबल को कैसे इंक्लूड करते हैं। टेबल के लिए हमारा जो एलिमेंट यूज होता है उसको कहते हैं टेबल। ठीक है, तो टेबल को हमने स्टार्ट किया और टेबल को क्लोज किया, यानी कि क्लोजेबल टैग है। ठीक है, अब टेबल के अंदर हमारे क्या क्या फीचर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल टेबल जैसे अभी मैं इमेज को हटा देता हूँ। ठीक है, इमेज हमारा हो चुका है ऑलरेडी। क्या करते हैं कि इमेज के नीचे हम एक br टैग लगा लेते हैं, जिससे हमारे को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। br टैग लगा देते हैं, एक नहीं दो लगा देते हैं, जिससे हमारा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, हमारा टेबल आ चुका है। टेबल पर हमको बेसिकली क्या जरूरत होती है, हमको टेबल की रो और कॉलम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले रो बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल रो के लिए हमारा जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है tr टैग यूज होता है हमारा टेबल रो के लिए, जो हमारे टेबल के अंदर ही चलेगा। ठीक है, टेबल रो हमने बनाया और हमने क्या दे दिया यहाँ पर, अब टेबल रो तो हमने बना दिया, अब रो के साथ हमको हेडिंग्स देनी पड़ेंगी, हम देन वैल्यूज देंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग यूज करेंगे, टेबल हेडिंग। ठीक है, टेबल हेडिंग के अंदर आप जैसे हेडिंग लिख दो id। ठीक है, जैसे हमने पहले id लिख दी, फिर लिख दिया आपने, सपोज हम स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो नेम एंड देन उसका क्लास, एंड देन हमने लिख दिया एक रोल नंबर। ठीक है, नंबर। ओके, अब हमारे पास ये टेबल बन के आ चुका है, जिसमें हमने आईडी दे दी, नेम दे दी, क्लास दे दी, रोल नंबर दे दिया, है ना। नंबर का आता है, रोल कर देते हैं इसको, जिसमें रोल आ जाएगा। ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड है। अब हमने हेडिंग तो दे दिया, अब इसको वैल्यू भी देनी है, बट वैल्यू देने से पहले अभी हमको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा। तो जो टेबल के जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, उसमें हमारा बॉर्डर के कॉन्सेप्ट भी आता है, जिसमें हम बॉर्डर को 1 2 3 4 जितना भी देना चाहते हो दे सकते हो। अभी हमने 1 दे दिया, तो ये ऐसा बॉर्डर बन के आ गया जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, एंड फिर अगर हमारा एक रो आ गया, फर्स्ट रो में हमारा हेडिंग्स आ गई, अब हमको एक और रो यहाँ चाहिए जिसमें हमारा इसके रिकॉर्ड्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक और रो बनाएंगे, टेबल का रो बनाएंगे एक नया, जिसमें हमारा क्या होगा, टेबल का डाटा आएगा। तो टेबल हेडिंग के लिए तो हमने th यूज़ किया था, टेबल डाटा के लिए क्या करेंगे, td, जो उसका शॉर्ट फॉर्म यही टैग यूज होगा td। जैसे आपने आईडी रख दिया 1, इसी को हमने किया कॉपी, इसको कॉपी, इसको कॉपी। ठीक है, पहले टी डी ये आ गई, सेकंड में हमारे पास नेम है, तो हम नेम के साथ सामने क्या देंगे, सपोज हमने दे दिया
कोडिंग बिल्डर, ओके कोडिंग बिल्डर, एंड देन आपने दे दिया इसमें हमारा क्लास, सपोज क्लास दे दिया 10 एंड रोल नंबर दे दिया 5, ओके तो हमारा पहला एग्जांपल ही आ गया हमारे पास, नेम आईडी आ गया, नेम आ गया, क्लास आ गया, रोल नंबर आ गया। ऐसे ही आप जितने आपको ऐड करने हैं उतने आप टीआर बनाओ, इतने आप रोज बनाओ, ठीक है टीआर बनाओ, एंड देन उसमें आप क्या करो अपने टेबल का डाटा ऐड कर दो। टेबल डाटा ऐड किया आपने, आपने इसको 2 दिया, फिर आपने एक और टेबल डाटा बनाया, ठीक है जिसके अंदर आपने क्या किया, आपने उसका नेम दे दिया, सपोज विदेश वहाँ डाल दिया, ठीक है फिर आपने इसका थर्ड पैरामीटर का वैल्यू डाल दिया, थर्ड का वैल्यू क्या है, थर्ड के लिए वैल्यू है क्लास, क्लास हमने डाल दिया 11, ठीक है एंड हमने डाल दिया 10, हमने क्या किया इसके साथ ही हमने कर दिया रोल नंबर उसका 6, ओके तो हमारा एक और रिकॉर्ड यहाँ आ गया। तो ये है टेबल का एग्जांपल जिसमें आप जितने मर्जी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो और ये टेबल आपका नॉर्मली ऐसे ही दिखेगा। सो इसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच।